क्या है फुल फॉर्म यूपीआई का? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, जोर से बोलो, सभी को सुनाना चाहिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। हाउ यू ऑल? ओके, वेरी गुड। मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था कि आज हम लोग इस तरीके से जो है पंचायत बना के बैठेंगे, बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो होती है वो सभी को पता होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो कभी किसी को सुनने को नहीं मिली या वो कॉमनली हमने शेयर नहीं की, इसलिए वो बात सभी को पता नहीं है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। अब ये बात सभी को पता होना चाहिए। अब मान लो किसी को नहीं पता है, तो अभी तो सबको पता चल गई ना, सबको पता चल गई, तो ये हम लोग नॉलेज शेयरिंग कर पाए, इसलिए हम लोग जो है गैदर हुए हैं, इसलिए हम गैदर हुए हैं। अभी हम सीधे आएंगे, सीधे एक ही चीज़ पर काम करेंगे कि हम कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे, पांच कॉमन क्वेश्चन जो ऐसे जो यूजुअल है, मतलब जो पता होना ही चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि पता होना चाहिए, वो मैं पूछूंगा। फिर आपके बाद फिर मैं क्या करके आप सभी टीचर्स को बुलाऊंगा, सभी टीचर्स भी पूछेंगे, आप में से जो जवाब दे सकता है वेरी गुड, उसको कार्ड दिया जाएगा, +5 का कार्ड मंगा लिया जाए, उसको कार्ड दिया जाएगा तुरंत, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम सबके बीच में शेयर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सभी टीचर्स को भी पता चल गई कि क्या करना है। आप सभी अपने मन में तन में कागज में कहीं पर भी आप जो है 5 क्वेश्चन रेडी कर लीजिए, आपको मैं बुलाऊंगा। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, पर वो क्वेश्चन कॉमन होना चाहिए और वो कॉमन क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? ओके, तो वापस मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कुछ कॉमन चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको पता होना चाहिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। USA का फुल फॉर्म क्या है? तुम आ जाओ, टोपी कितनी तो सभी को पता होगी, आई थिंक सभी को पता होगी, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलो सबको बता, सब बोले एक साथ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? वेरी गुड, चलो ठीक है। अब यदि तुम इससे आगे के सवाल जवाब दे पाओगे तो आगे बात करते हैं, फिर तुम्हें काट देंगे। USA की कैपिटल कितने लोग बताएंगे? तुम बता सकते हो? ओके, बैठ जाओ फिर। कौन कौन बता सकता है? चलो फिर एक साथ ही बोल दो सभी। वॉशिंगटन। अच्छा, ये वॉशिंगटन डीसी जो है, ये वॉशिंगटन किसी के नाम पर रखा गया है, तो आप जानते हैं वॉशिंगटन कौन थे? कोई जानता है क्या? वॉशिंगटन डीसी जो है वो शहर का नाम रखा, लेकिन ये किसके नाम पर रखा गया जानते हैं क्या आप? कौन थे? वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। कार्ड दिया जाए। ओके, आ जाओ, जो इधर आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहें, क्वेश्चन के बाद में फिर आगे और क्वेश्चन आएंगे, ये बात तय है, ठीक है। जैसे मैंने अभी हाल डिस्कस किया था आपसे, इंडिया में डिजिटल इंडिया जो है स्टार्ट हुआ, डिजिटल इंडिया में एक बहुत बेहतरीन जो है अचीवमेंट हुआ है हमारे देश के लिए, और वो उसका नाम है UPI। अब UPI का फुल फॉर्म कितने लोग बता सकते हैं वापस से? UPI का फुल फॉर्म
चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ। क्या है फुल फॉर्म यूपीआई का? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, जोर से बोलो, सभी को सुनाना चाहिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। और क्या जानते हो यूपीआई के बारे में? सर ये एक डिजिटल पेमेंट है, इससे हम एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं कहाँ भी। ये एक डिजिटल पेमेंट करने का एक सिस्टम है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? अच्छा, तो जो है हमारे देश में, अब मैं इससे रिलेटेड आगे बात करता हूँ, हमारे देश में जितने भी मॉनिटरी चीज़ें जो चलती है, तो इनको कंट्रोल कौन करता होगा? हमारे देश में कितने नोट प्रिंट होना चाहिए, कितने नोट प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये सबको कंट्रोल कौन करेगा? चलो कोई जवाब देगा और कोई? देश में नोट कौन प्रिंट करता है, या नोट कितने प्रिंट होना चाहिए, इसका बैंक नोट प्रेस, इसने जवाब दिया है लेकिन ये गलत जवाब। अच्छा बताओ आप, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म पता है तो इसका काम भी तो पता होना चाहिए। ओके, तो आरबीआई कंट्रोल करता है कि हमारे देश में नोट प्रिंट कितने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वैसे एक पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या नाम है? अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कोई बता सकता है कोई, क्या कि क्या होती है? चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं बताया था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि बैंक कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगी नहीं दे पाएगी, इसकी कैपेसिटी को इफेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। वो टूल्स को तय करना, उनका रेट तय करना, ये सारे काम जो है, ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम आरबीआई करता है, और उन सबको मिला जुला के मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। उसमें सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। अब ये सब चीज़ें के बारे में हम पढ़ेंगे, जानकारी मिलेगी। मैं ज़्यादा और गहराई में जा रहा हूँ। खैर आपने बताया कि आरबीआई जो है वो मनी को कंट्रोल करती है। yes, तो क्या नाम है आपका? अथर्व शर्मा। क्लैप फॉर अथर्व, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, आपका क्या नाम है? चिराग लश्कर। क्लैप फॉर चिराग। चिराग ने क्या बताया था? यूपीआई का फुल फॉर्म बताओ सभी। यूनिफाइड, वेरी गुड, बैठो आप। क्लैप फॉर चिराग, चिराग फ्रॉम क्लास 9th। ओके, तो मैंने दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए हैं, दो क्वेश्चन और मेरे बचे हैं, मैं दो क्वेश्चन और पूछता हूँ, उसके बाद में फिर बारी है जो है अपने गुप्ता सर की। गुप्ता सर आप आएंगे और पांच सवाल पूछेंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि वो गहराई में जाया जाए, सिंपल पांच क्वेश्चन हो सकते हैं, आप चाहें तो किसी लिख के भी रख सकते हैं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजधानी का नाम क्या है? क्या है? त्रिवेंद्रमपुरम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये जो राम सेतु का हम नाम सुनते हैं, तो राम सेतु कौन से स्टेट से, मतलब श्रीलंका से जुड़ा हुआ है? क्या है? वेरी गुड, सबको पता चल गई। बस यही था, यही थे मेरे पांच क्वेश्चन, आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। और अब हम क्लैप फॉर गुप्ता सर, आइए सर। आप चाहें तो, टीचर चाहें तो कार्ड पे लिख भी सकते हैं, पूछ मैं भी सकता हूँ। ओके, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। चलो लो सर, कुछ आप, हाँ बोलो ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? सबको पता चल गई, वेरी गुड। नेक्स्ट,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गूगल? गूगल का भी फुल फॉर्म है? गूगल का फुल फॉर्म GOOGLE। हाँ तो गूगल का फुल फॉर्म क्या है? चलो नहीं, क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ गूगल इज ग्लोबल ओरिएंटेड ऑफ ग्रुप लैंग्वेज ऑन अर्थ। वेरी गुड, एक बार जोर से बोलो वापस से। द फुल फॉर्म ऑफ गूगल इज ग्लोबल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑन ग्रुप लैंग्वेज ऑन अर्थ। ठीक है, ओके, क्लैप फॉर हिम। ओके, वेरी गुड, क्या नाम है? क्लैप फॉर अनुराग। ओके, दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन गुप्ता सर का। हाउ मेनी बॉर्डर्स टच टू एमपी बॉर्डर? एमपी को कितनी बॉर्डर बाकी स्टेट की जो बॉर्डर टच करती है? रॉन्ग। चलो कोई हैंड रेस करो जो जिसको ठीक से बताओ, स्टेट्स का नाम भी बताना है। स्टेट्स का नाम भी बताना है, कौन कौन सी स्टेट टच होती है। हाँ, कम जल्दी से जाओ। यस, पांच बॉर्डर, फाइव बॉर्डर्स, फाइव बॉर्डर टच होती है। जोर से बोलो। यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। वेरी गुड, इट इज करेक्ट। और एक क्लैप फॉर समीर। वेरी गुड, ठीक है, पता चल गई आपको कौन कौन सी बॉर्डर है। जोर से बोलो एक बार, कौन कौन सी है? यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। वेरी गुड, क्लैप फॉर समीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द सीएम ऑफ एमपी नाउ रिसेंट? करंट, बिल्कुल। वेरी गुड। ओके, बाकी लोग हमने क्वेश्चन लिख के रखे, आप उठाई नहीं मिलेगा, आप क्वेश्चन लिख के रख ले। चलो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन एमपी? डिवीजन, राइट है। ओके, वेरी गुड, क्लैप फॉर गुप्ता सर।